ये लाला जी आपको लेने कहाँ आएंगे? अरे वहीं कानपुर के बस अड्डे पर हमें मिल जाएंगे। वहीं पर उनकी गाड़ी से हम लोग चले जाएंगे हॉस्टल के बोर्ड के मेंबर से मिलने के लिए। इन्होंने अपने गांव में अस्पताल खोलने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए और ये खुद भी डॉक्टर हैं, लेकिन डिग्री वाले डॉक्टर नहीं। वो लाला का लड़का भरत हमारा दोस्त, और उकरा बेटा और हमारी बेटी दोनों विदेश में एक साथ पढ़ रहे। लाला जी प्रणाम। अरे ओ भाग्य हमारे जो सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, तो आज का दिन तो सुबह है। रुवे प्रधान, एक चीज समझ में नहीं आई, ऐसा काहे होता है जहाँ कुछ गड़बड़ होता है ना वहाँ तुम पहले से मौजूद रहते हो? गुरु जी आप लोग के साथ कुछ गलत हो गया कहा? हमको बोलिए, हम मदद करेंगे आप लोगों का। अरे भैया, तुम्हारी मदद से तो भगवान बचा के रखे, समझे हो? हमको बताइए ना, देखे बताएंगे नहीं तो परेशानी दूर कैसे करेंगे? हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे आपका परेशानी दूर करने का। वैसे लाला जी घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी भारत सब अभी तक तो सब ठीक ही है। आप लोगों का आज्ञा हो तो चले, हम कुछ काम होगा तो बताइएगा जरूर, चलते हैं। इसके बाद बात में भूल गए, पल्लवी के अम्मा ने आप लोगों के लिए वो आम पापड़ और आम का अचार दिया, गाड़ी इसमें धरा है, अभी ड्राइवर को बोल के भिजवाते हैं। आप 2 मिनट आप के साथ घर चला जाएगा। यहाँ क्या कर रहा था, आपको कुछ बताया इसने? नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ये सब कुछ इस सरकार का किया धरा है, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि ये भरत का दोस्त है ना? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं कह रहा था। खैर जो भी हो, इस बारे में आज नहीं तो कल पता चले जाएगा। आज मेरे साथ घर चलो। लेकिन मैं गुरु जी, मैं समझ सकता हूँ आप कितने परेशान हैं, और परेशानी में ही तो मित्र मित्र के काम आता है ना। आइए आइए ना, आइए आइए। अरे भाई साहब, ये क्या, आप कानपुर तक आए और बिना मिले चले गए? नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्या शांति बहन ने आम अचार और पापड़ भेजा है? अरे अरे इसकी क्या जरूरत थी। जी 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 ठीक है। बुढ़े यहाँ मुंह साफ क्यों कर रहे हैं? चुप जाओ। आई आई गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो खुश रहो। खुश हो बहू, खुश हो बहू। संस्कार बने रहने चाहिए। जी पिताजी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है, और वैसे भी सम्मान नजर से होता है, नमस्कार करने से या पैर छूने में थोड़ी होता है। नहीं गुरु जी, सब बताएं तो बनी रहनी चाहिए। ये दुबे प्रधान ने सामान। हाँ पिताजी, उनसे बात हुई थी हमारी, उन्होंने आम अचार और पापड़ भिजवाया। वाह वाह, क्या अचार है, पापड़ और ये अचार। अरे बाबूजी, आप उन्हें भी साथ लेके आते ना। मैं उसका भेजा हुआ सामान ले आया, यही बहुत बड़ी बात है। दुबे भाई साहब भी ना कमाल के इंसान, हमारे घर को अपना ही घर समझते हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं आते, हमेशा कुछ न कुछ भिजवाते ही रहते हैं। वरना
कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं कि जब देखो मुंह उठाए खाली हाथ ही चले आते हैं। बहू, अब तुम इंसान का सम्मान उसके लाए हुए सामान से करो, क्या बकवास कर रही जानकी? मैं तो फिर भरत समझाओ, इससे कहो कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाए। अब तो कई साल हो गए उसे यहाँ रहते हुए और हमने ऐसे संस्कार नहीं रखे जिसमें इंसान को उसकी दौलत और सामान से तौला जाए। जी पिताजी। आइए गुरुजी साथ में। गुरुजी आपको याद है बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ाई जाती थी। कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता था, उसके सामने बाधाएं भी आती लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचना जरूर था। आपका भी सपना जरूर पूरा होगा, आप भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। पर अब तो ये उम्मीद भी नहीं बची, बहुत थक गए हम लड़ते लड़ते। अब हमारी उम्र ही कितनी बची, हमारे बाद कौन पूरा करेगा हमारा सपना? गुरुजी कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कोई सपना देखा जाए तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। आपने भी ये सपना दिल से देखा है और आप तो जानते हैं आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। मैंने भी हमेशा से आपके सपने को अपना सपना माना है, तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी मुझे भी होगी। लौटते समय मेरे दिमाग में एक विचार आया, उसके जरिए हम इस सपने को जरूर पूरा कर सकते हैं। पर ये कैसे संभव होगा? होगा, हमारा ये सपना पूरा करेगा शांतनु। शांतनु? पर कैसे? मित्र तुम तो जानते हो शांतनु लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, एक साल बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, फिर वो आपके गांव में आकर हॉस्पिटल खोलेगा। नहीं नहीं ये बात सही नहीं है, हमारी दोस्ती अलग बात है। हमारा सपना पूरा करने के लिए आप शांतनु पे बेवजह दबाव बनाएंगे। गुरुजी आप गलत सोच रहे हैं, शांतनु ऐसा किसी दबाव में नहीं करेगा बल्कि अपनी खुशी से करेगा। और वो ये काम मेरा पोता बन के नहीं बल्कि आपका दामाद बन के करेगा। हाथ बनकर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती तनु की शादी हो जाए, और जब अपना बेटा डॉक्टर होगा एक दुबे प्रधान क्या 100 दुबे प्रधान आ जाए, हॉस्पिटल बनाने से वो नहीं रोक पाएगा। बोलिए गुरुजी, क्या आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? आप अपनी सुंदर सुशील और गुणवान पोती को हमें देंगे? हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात होगी। गर्व की बात तो हमारे लिए होगी मित्र, कहाँ आप लोग, कहाँ शांतनु जैसा पढ़ा लिखा लड़का और कहाँ मेरी पोती। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, इंसान बड़ा होता है अपने विचारों से, अपने संस्कारों से जो आपने तनु को दिए। भला शांतनु को इससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? मित्र इस दोस्ती के आगे मेरा सर झुक गया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भला तनु को शांतनु से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? तेरी हस्ती से तेरी जात से खुशबू आए, तू जो बोले तो तेरी बात से खुशबू आए, तुझे देखूं तो मेरी आंखें महक जाएं,
तुझे सोचूं तो ख्यालातों से खुशबू आए। तू चमेली है, नरगिस है या रात की रानी, तुझे छू लूं तो मेरे हाथों से खुशबू आए। वाह नकुल भैया वाह, एकदम उम्दा और चौकस पेंटिंग बनाए हो। भैया बाके बहादुर ने बहुत सी मोहब्बतें देखी, लेकिन जो ठसकबाजी, जो फन्नेगिरी, जो ऐठ, जो ठसक आपकी मोहब्बत में है ना, वो मैंने कहीं और नहीं देखी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। गुरुजी, ये एहसान नहीं है, ये हमारी मित्रता है। हम अपनी मित्रता को दो परिवारों का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पर हमारे मन में एक शंका है। शंका? कैसी शंका? मित्र हमारी आपकी बात अलग है, हमारी दोस्ती है, लेकिन क्या इस रिश्ते को जानकी बहू और भरत स्वीकार करेंगे? शांतनु क्या इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। आप बस सगाई की तैयारी कीजिए, कुछ दिनों बाद शांतनु आएगा, उसके आते मैं दोनों की सगाई करवा दूंगा। पर मेरी बात मानिए, पहले आप इस बारे में अपने परिवार से सलाह मशवरा कर लीजिए। गुरु जी, ये मेरा घर है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मैं अपने परिवार का भला चाहता हूँ। इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा विरोध कर सके। उन्हें उन्हें तनु जैसी लड़की कहाँ मिलेगी? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा मत सोचिए। अब बस सगाई की तैयारी करिए। वैसे भी तनु और शांतनु दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बचपन में साथ में खेले कूदे हैं। आपको याद है दोनों एक दूसरे से कैसे रूठ के बैठ जाया करते थे, फिर खेलने लग जाते थे। मेरे ख्याल से इस शादी से दोनों बहुत खुश होंगे। दादाजी ये लीजिए पारस, और फिर हमें कुछ खबर सुनाइए। आपके चेहरे के हाव भाव देख के तो लग रहा है कि आपका काम पूरा हो गया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भोले बाबा, दादाजी का काम पूरा हो गया। माँ, पापा, दादाजी आ गए। दादाजी ये लीजिए पारस, और फिर हमें कुछ खबर सुनाइए। आपके चेहरे के हाव भाव देख के तो लग रहा है कि आपका काम पूरा हो गया। अरे अस्पताल की बात तो छोड़, मेरे पास इससे बड़ी खुशखबरी है। उससे भी बड़ी खुशखबरी? अब ये क्या हो सकती है, बताइए ना दादाजी। ऐसी खुशखबरी है जिससे सब कुछ संभव हो जाएगा, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा और ये घर सब खुशियों से भर जाएगा। अरे बाबूजी तो बताइए ना, क्या कुछ खबर है, जल्दी बताइए ना। वहां मीटिंग में तो कुछ खास हुआ नहीं, मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा, लेकिन लाला जी ने एक रास्ता सुझाया जिससे सब कुछ एक ही झटके में संभव हो गया। अरे वो अपने पोते शांतनु की शादी हमारी तनु से करना चाहते हैं। अरे वही शांतनु जो लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। वहां से डॉक्टर बनकर आएगा और हमारे गांव में अस्पताल खोलेगा। और वो मेरा सपना पूरा करेगा। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं।
दादाजी ने दोस्ती के नाम पर इतनी ढेर सारी खुशियां एक ही झटके में दे दी कि मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे वाह बाबूजी वाह, कितनी बड़ी खुशखबरी दी आपने हमें। हमारी बिटिया तो राज करेगी राज। इतना बड़ा घर, लड़का डॉक्टर और रिश्ते के लिए इससे बढ़िया और क्या चाहिए। शांतनु शर्मा, अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप डॉक्टर भी बनने वाले हैं। पता नहीं तुम्हें बचपन की कोई बात याद होगी या नहीं। याद है हम दोनों कैसे साथ में खेला करते थे, एक ही कप में आइसक्रीम खाया करते थे। तुम्हें वो दिन याद है जब हम मेला देखने गए थे, तुम घर जाने से कितना डर रहे थे और तुम्हें अपनी मम्मी के हाथों कितनी डांट खानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें लेकर गई थी क्योंकि तुम मुझे नहीं डांट खिलवाना चाहते थे। पता नहीं तुम्हें ये सारी बचपन की बातें याद होगी भी या ना, लेकिन इस बार जब तुम आओगे ना तो तुम्हें मैं हर एक बात याद दिलवाऊंगी। ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये फोटो फाड़ने की? निशांत तो तुम्हारे बचपन का दोस्त था, तो हमारा भी दोस्त। छुट्टियों में यहाँ पे ये खेलने आया था, बहुत मौज मस्ती किया करते थे हम। कि जब भी वो वापस जाने की बात होती थी हमारा मन नहीं लगता, लेकिन टाइम गुजरा और वक्त के साथ हम लोग बड़े हो गए और हमारा बचपन कहीं पीछे छूट गया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा ना, तो फिर ये पुरानी यादों को अपने साथ रखने का क्या फायदा? इसीलिए फाड़ दो। तुम जाओ और अपने दिमाग का जाके इलाज करो, वरना पागल बनके पूरे गांव में घूमोगे। तो तुम ही बता दो कि पागल कौन नहीं, जो इश्क है वही पागल है। अगर इश्क करना, मोहब्बत करना पागलपन है, तो हाँ है हम पागल। तुम्हें बहुत प्यार करते, हर लम्हा हर घड़ी सिर्फ आपको ही याद, नाम काम धाम हर वक्त सिर्फ तुम्हें। पूरी दुनिया में भी अगर ढूंढोगी ना तो तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं। खबरदार अपनी हद मत पार करना, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी और अब भी मना कर रही हूँ। मैं अपने शांतनु के लिए उसके लायक लड़की ढूंढ रखती हूँ। बोला मैं भी तो सुनो कि शांतनु के लिए तन्नु से भी अच्छी लड़की कौन हो सकती है। पल्लक 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 पल्लक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जो हंसेंगे वो हमारी ये कहानी सुनकर, हम मजनू बने जिसके, वो लैला किसी और की दिलबर। बाबा बैजनाथ की कसम भैया, हम तो सिर्फ मजाक ही किए थे, तो सच्ची में बोल देते तो न जाने क्या करते आप। हम जानते हैं और हम का पूरी दुनिया जानती है कि श्री श्री 1008 नकुल दुबे जी, अगर पूरी दुनिया जहां में किसी को चाहते हैं तो वो है परम पूजनीय हमारी तन्नू भाभी। भैया ऐसा वैसा इश्क थोड़ी ना है, ये तो जन्म जन्मांतर का है। पूरी दुनिया में इतने आशिक हैं, उन्होंने पता नहीं ना जाने अपनी मोहब्बत के लिए का का करा। फरहान ने दूध की नदी खोद दी है और मजनू फटे कपड़े पहन के गली गली में घूमा, और आप भी तो यही किए भैया, भाभी की क्लास में आने के चक्कर में हर बार हर साल लटकते गए और लटक लटक के भाभी की क्लास में आ गए। और क्लास में पहुंचकर काहे की पढ़ाई और काहे की किताबें, वहां तो बस इश्क की पढ़ाई और मोहब्बत की बातें है कि नहीं भैया। पर भैया हमको दुख इस बात का है कि आपके इतने जतन के बाद भी भाभी आपको घास नहीं डाल, आपकी जो आपका जो दिल है ना उसकी ख्वाहिश नहीं समझते, काहे आपके प्यार को नहीं समझती, काहे। समझेगी बातें जरूर समझेगी, उसे एक न एक दिन समझना होगा, और बहुत जल्द उसे मेरे प्यार का एहसास भी होगा। शांतनु की तो छुट्टियां हो गई होंगी, वो घर कब आने वाला है? 2 दिन में आएगा। इस साल तो उसके डॉक्टरी की पढ़ाई का आखिरी साल है, 2 साल में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो आगे की जिंदगी भी जीनी है, तो सोच रहा हूँ उससे शादी कर दूँ। हाँ पिताजी शादी तो हो ही जाएगी, और उसके लिए लड़की तो सोच ले, वैसे लड़की मैंने एक सोच रखी है। नहीं लड़की की चिंता तुम मत करो बहू, लड़की मैंने देख ली। कौन थी पिताजी? अपने गुरु जी की पोती तनु। शांतनु 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि आते ही दोनों की सगाई कर देते। जल्दी क्या शादी की, मतलब शादी तो सब कुछ क्या तक करनी चाहिए, और दरअसल मैंने और जानकी ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, और शांतनु की भलाई के लिए कर रहा हूँ। शांतनु के लिए तनु मुझे बहुत पसंद है, अगर दोनों की शादी हो जाती है तो मेरे दोस्त गुरु जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। शांतनु उनका बेटा बनकर उनके गाँव में हॉस्पिटल खोलेगा, मेरे दोस्त का सपना मेरे जरिए पूरा हो, मेरे लिए भला इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं। जानकी तुम चुप रहो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप चुप रहिए, मैं पिताजी से बात कर रही हूँ। हाँ तो पिताजी, मेरा शांतनु इतना पढ़ा लिखा है, लंदन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसकी शादी तन्नू जैसी गवार जाहिल अनपढ़ के साथ कर दी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, और वो भी इसलिए कि आपके दोस्त का सपना पूरा हो जाए, आपके दोस्त के सपने के लिए मैं अपने बेटे का बलिदान दे दूं, हरगिज नहीं। तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो, समझ गई? माफ करना पिताजी, अगर हमें अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए कोई भी कदम उठाना तो मैं तन्नू जैसी गंवार लड़की मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने शांतनु के लिए उसके लायक लड़की ढूंढ रखती हूँ। देख सकती बोला, मैं भी तो सुनो कि शांतनु के लिए तन्नू से भी अच्छी लड़की कौन हो सकती है। पल्लवी 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 अपने प्रधान जी की आशिक दिल की बद्दुआ लेकर तुम अपने सपनों का घर बसाने का सपना देखते हो,
लेकिन बहुत मुश्किल होगा ये तुम्हारा सपना पूरा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हारी ये सगाई टूट जाएगी।